हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीमेंस मार्टिन की खुले भट्टी प्रक्रम पर अध्ययन करेंगे। आखिर कैसे हम लोग इस्पात का निर्माण सीमेंस मार्टिन के खुले प्रक्रम से या खुले भट्टी के प्रक्रम के द्वारा करते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ ये प्रोसेस अर्थात ये प्रक्रम इस्पात बनाने का दूसरा प्रक्रम होगा, जिसे हम आधुनिक प्रक्रम के रूप में भी जानते हैं। अर्थात ये प्रक्रम इस्पात बनाने का एक आधुनिक प्रक्रम है, अर्थात मॉडर्न प्रोसेस है। तो इससे इस्पात बनाना बड़ा ही सरल होता है और साथ ही साथ अधिक मात्रा में हमें इस्पात इससे मिल जाता है। इसीलिए इसे इस्पात बनाने की समस्त विधियों में सबसे प्रमुख विधि के रूप में भी जाना जाता है। तो आखिर कैसे इस्पात का निर्माण सीमेंस मार्टिन के खुले भट्टी प्रक्रम के द्वारा होता है, आइए हम सभी इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, सीमेंस मार्टिन की खुली भट्टी प्रक्रम क्या है? आपको पीछे सीमेंस मार्टिन की भट्टी के बारे में भी जानकारी दी गई है, साथ ही साथ खुले तल के प्रक्रम के बारे में भी बताया गया है कि आखिर इस भट्टी का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे इससे किसी भी धातु का निष्कर्षण या प्रगलन किया जाता है, इसके बारे में आपको पीछे बताया गया है उस दौरान जब हम लोग भट्टियों का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट में देखते हैं रॉ मटेरियल के बारे में, कौन कौन से रॉ मटेरियल हमें चाहिए। पहला हमें चाहिए क्या? ढलवा लोहा। क्या चाहिए? ढलवा लोहा। दूसरा, इसी में हमें मिलाना है रद्दी लोहा अर्थात स्क्रैप आयरन। तीसरा, हम हेमेटाइट का उपयोग करेंगे अर्थात फेरिक ऑक्साइड का उपयोग करेंगे। और चौथा घटक हम चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का प्रयोग करेंगे। अब इन चारों घटकों में से हम ढलवा लोहा से इस समय इस्पात का निर्माण कर रहे हैं, साथ में इसमें जो अन्य तीन घटक और मिलाए जा रहे हैं, आखिर इनका क्या रोल है, इनका क्या कार्य है इसके अंदर, तो इसको जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रद्दी लोहा इसमें क्यों मिलाया जाता है, क्या कार्य है रद्दी लोहा का, यानी स्क्रैप आयरन की यहाँ पे क्या भूमिका होती है, इसको जानना जरूरी होता है। ध्यान रहे, रद्दी लोहा का प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया जाता है ताकि ढलोए लोहे में उपस्थित कार्बन की और सिलिकॉन आदि की अशुद्धियां कम की जा सके, उन्हें घटाई जा सके, इसके लिए रद्दी लोहा मिलाना आवश्यक होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट यहाँ पे एक ऑक्सी कारक के रूप में मिलाया जाता है अर्थात ढलवे लोहे में उपस्थित अशुद्धियों को हेमेटाइट द्वारा ही ऑक्सीकृत कराया जाता है और ऑक्सीकृत कराकर उन्हें वाष्पशील अथवा अवाष्पशील रूप में पृथक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें हेमेटाइट मिलाया गया है वो ऑलरेडी किस रूप में है, वो यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में मिलाया जाता है। तीसरा हमारा जो अतिरिक्त घटक है वो चूना पत्थर लाइमस्टोन, आखिर इसकी क्या भूमिका है, ये इसमें क्यों मिलाया जा रहा है। ध्यान रहे, ढलोए लोहे के अंदर कुछ सिलिका की अशुद्धियां शेष रह जाती हैं, जिसे दूर करने के लिए हम चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलिका जैसे अम्लीय आगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए, उसे हटाने के लिए हमें एक संगालक का प्रयोग करना होता है, इसीलिए हम संगालक के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस लोहे के अंदर तीन अन्य घटकों की क्या उपयोगिता रही है अर्थात क्यों इसे इनके साथ मिलाया जा रहा है। अब इन चारों घटकों को एक में मिक्स कर लिया जाता है और एक में मिक्स करके
इसको घन बना लिया जाता है, और इस घन को हम किस भट्टी में उपयोग करेंगे? आप जानते हैं इसमें फर्नेस कौन सी लगती है, नाम अर्थात हेडिंग का नाम ही उसी से है, क्या खुले तल की भट्टी या सीमेंस मार्टिन की भट्टी, अर्थात किस भट्टी का हमने यहाँ पे उपयोग करना है, खुले तल की भट्टी या सीमेंस मार्टिन की भट्टी। अब सवाल ये उठा कि इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रक्रम को पूरा करने के लिए अर्थात इस विधि से इस भट्टी में इस्पात बनाने के लिए हमें कितने ताप की जरूरत होती है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की उपयोगिता होगी। तो ये सीमेंस मार्टिन की भट्टी के बारे में पहले से ही आपको बताया जा चुका है कि आखिर सीमेंस मार्टिन की भट्टी क्या है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, सब कुछ आपको पीछे हमने भट्टी के विवरण में बता रखा है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ इसमें होना है आगे प्रक्रम। तो ध्यान रहे, यहां पे जो हमने सीमेंस मार्टिन की भट्टी ली है उसके तली में अस्तर लगा होगा, चूंकि हम इस समय इस्पात का निर्माण कर रहे हैं और इस दौरान कैल्शिया और मैग्नीशिया का अस्तर लगा हुआ ही सीमेंस मार्टिन का भट्टी हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी सीमेंस मार्टिन की भट्टी में कैल्शिया और मैग्नीशिया का अस्तर लगा होगा, कहाँ लगा होगा, भट्टी की तली में, और फिर उस भट्टी की तली में हम इन चारों घटकों को मिक्स करके रख देते हैं और उसे उच्च ताप पर लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं। ध्यान रहे, इस भट्टी को कैसे गर्म किया जाता है, इसके लिए ईंधन का उपयोग किस रूप में किया जाता है, अर्थात इसमें ईंधन का कार्य कौन करता है, तो आपको पीछे बताया गया है कि इस भट्टी के अंदर ईंधन का कार्य प्रोड्यूसर गैस या फिर भाप अंगार गैस का प्रयोग किया जाता है, यही आपका ईंधन का कार्य करती है। कौन सा पदार्थ ईंधन का कार्य करता है, प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उस गैस को जलाया जाता है इसके अंदर, या इसके स्थान पर हम भाप अंगार गैस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ईंधन को जला के और भट्टी के अंदर इन चारों घान को अर्थात चारों घटकों को मिक्स करके पिघलाएंगे, और जब हम भट्टी के अंदर इनको पिघलाते हैं तो उस दौरान भट्टी के अंदर विभिन्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात इस्पात का निष्कर्षण कुछ अभिक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होती है। आइए समझते हैं कि इस भट्टी के अंदर कौन कौन सी रासायनिक क्रिया होती है। तो अब हम लोग ये जानना चाहेंगे तो कौन कौन सी अशुद्धियां इसमें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से ध्यान रहे, इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस जैसी अशुद्धियां मूल रूप से उपस्थित होती हैं। इन्हें हटाने के लिए बिल्कुल सिंपल है रिएक्शन, इसका कैसे दिखाओगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन बच्चों एक बात मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी इस प्रकार के प्रक्रम का हम लोग अध्ययन करते हैं तो इनका जो बर्डन है वो आसानी से आप लोग तो कर लेते हो, लेकिन जब रिएक्शन की बात आती है वहाँ आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। परंतु यहाँ का जो रिएक्शन है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल रिएक्शन है, यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप बता सकते हो। बस ध्यान से समझते रहिए, कुछ भी नहीं करना है, मात्र दो ही तरीके का रिएक्शन इसमें है, दो ही तरीके का कार्य हो रहा है इसके अंदर। क्या कार्य हो रहा है, आप कैसे करोगे, बड़ा ही सिंपल है। जितनी भी अशुद्धियां हैं उन सभी को ऑक्सीकृत करा दो। पहले क्या करना है, जितनी भी हमारे पास इंप्योरिटीज हैं इस समय उन सभी को हेविटाइट द्वारा ऑक्सीकृत करा दो, ठीक है। कौन कौन सी अशुद्धियां हैं हमारे पास, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, इस समय हमारे पास ये चार अशुद्धियां मुख्य रूप से हैं, और इन सभी को क्या कराना है, हेमेटाइट से ऑक्सीकृत कराना है। किससे ऑक्सीकृत कराना है, हेमेटाइट से कराना है, और इसको किससे ऑक्सीकृत कराना है, इसको भी हेमेटाइट से कराना है। यानी चारों अशुद्धियां किससे रिएक्ट होने जा रही हैं, हेमेटाइट से। कितना आसान लगेगा रिएक्शन, बस देखते रहो, अभी तुरंत आपका रिएक्शन बन जाएगा। और फास्फोरस आपका, ये भी आपका हेमेटाइट से ऑक्सीकृत होगा।
अब ये ध्यान दो, आक्सीकृत कैसे होगा और क्या बनाएगा? आपका कार्बन यहां से एक ऑक्सीजन कैप्चर कर लेगा, क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका आयरन भी अलग हो जाएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहां पे तीन ऑक्सीजन है तो यहां भी तीन ऑक्सीजन करने के लिए तीन बढ़ाओ, कार्बन की संख्या अगर तीन हो गई तो यहां भी तीन होनी चाहिए, और आयरन अगर यहां दो है तो यहां दो बढ़ा दीजिए, आपका रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगा। तो आपने देखा अभी अभी क्या हुआ, कार्बन हेमेटाइट से ऑक्सीजन लेकर किस रूप में मुक्त हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, और आयरन आपका अलग हो गया। ऐसे ही ठीक सिलिकॉन भी आपका यहां से ऑक्सीजन लेगा, और आप जानते हो सिलिकॉन जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो इसका मुख्य ऑक्साइड कौन होता है, SiO2, अर्थात सिलिकॉन हेमेटाइट से SiO2 यानी सिलिका के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है, और साथ में आयरन भी अलग हो जाता है या मुक्त हो जाता है। ये सिलिका ऑलरेडी कैसा है, अवाष्प शील अशुद्धि है, इसलिए ये उस समय मुक्त नहीं होगा, उस समय उसी में रह जाएगा। तो आप सिलिकॉन को किस रूप में ऑक्सीकृत कर दिए, सिलिका के रूप में ऑक्सीकृत हो गया ये। तो इस तरीके से इसको बैलेंस भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे कितना है तीन, जबकि यहाँ दो है, इसलिए यहाँ तीन बढ़ा दो और यहाँ दो बढ़ा दो, सिक्स हो गया ऑक्सीजन, यहाँ भी सिक्स हो गया, सिलिकॉन की संख्या थ्री हो गई तो यहाँ भी आप थ्री बढ़ा सकते हैं, आयरन की संख्या यहाँ चार है तो यहाँ आप चार कर दीजिए, रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही ठीक मैग्नीज भी ऑक्सीजन को लेकर किस रूप में, मैग्नीज ऑक्साइड यानी MnO के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा, साथ में आयरन फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए यहां पे तीन है तो यहां हम तीन बढ़ा सकते हैं, यहां पे आप तीन बढ़ाएंगे, MnMn दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, और आयरन की संख्या यहां दो है तो यहां आप दो बढ़ा देंगे तो ये भी आपका संतुलित हो जाएगा। मैग्नीज ऑक्साइड जो यहां बन रहा है ऑक्साइड के फॉर्म में, वो भी आपका अवाष्पशील होता है, इसलिए ये भी इस समय मुक्त नहीं होता बल्कि इसी में रह जाता है। ठीक ऐसे ही फास्फोरस भी ऑक्सीकृत हो रहा है, आप जानते हो फास्फोरस जब भी ऑक्सीकृत होता है तो ये मूलतः अपना कौन सा ऑक्साइड बनाता है, P2O5। इस समय फास्फोरस हेमेटाइट के द्वारा P2O5 में ऑक्सीकृत हो जाएगा और आयरन को मुक्त कर देगा। तो इस तरीके से आपने देखा जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब ऑक्सीकृत होकर अपने अपने ऑक्साइडों के रूप में आ जा रही हैं, कुछ वाष्पशील प्रकृति की हो जा रही है और कुछ अवाष्पशील हो जा रही हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे कि इसे भी बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीन बढ़ाएंगे तो पांच यानी 15 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे हम पांच बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 15 ऑक्सीजन हो जाएगा, पी की संख्या सिक्स हो गई तो यहाँ भी हम सिक्स बढ़ा के इसे इक्वल कर लेंगे, और आयरन यहाँ पांच दुनाई 10 हो रहा है तो यहाँ भी हम 10 यानी 10 बढ़ा देंगे, आपका आयरन भी इक्वल हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ क्या किया, अभी आपने सिर्फ इन अशुद्धियों को हेमेटाइट द्वारा ऑक्सीकृत कर दिया। तो ऐसे में जब सारी अशुद्धियां हेमेटाइट से ऑक्सीकृत हो जा रही हैं और अपने अपने ऑक्साइडों के रूप में आ जा रही हैं, जो तो वाष्पशील है इस समय मुक्त हो गया, लेकिन जो अवाष्पशील है वो रह जा रहा है, पर वो कैसे मुक्त होगा, उसे कैसे मुक्त किया जाएगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये अवाष्पशील अशुद्धियां कैसे मुक्त हो रही हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि जो हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड होगा वो समस्त मैग्नीज ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट करेंगी, सिलिका की यहाँ कुछ मात्रा इसके इसको ऑलरेडी रिएक्ट करने में लगेंगी और कुछ रह जाएंगी, तो इसलिए मैग्नीज सिलिका के साथ पहले रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आप यहाँ रिएक्शन के माध्यम से देख सकते हैं, MnO+SiO2 गिव्स आउट MnSiO3, मैग्नेसिलिकेट नामक क्या बना लिया, धातुमल बना लिया, ये आपका क्या है सलाइड के फॉर्म में आ रहा है, धातुमल के फॉर्म में, नाम क्या होगा मैग्नेसिलिकेट। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे इसका, मैग्नेसिलिकेट। तो आपने देखा कि मैग्नीज ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट होकर मैग्नेसिलिकेट नामक धातुमल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
तो आपका मैग्नीज कुछ सिलिका के साथ किस रूप में बदल गया, मैग्नीज सिलिकेट के रूप में बदल गया। थोड़ी बहुत सिलिका अगर रह गई है तो अभी आगे चल के ये दूर हो जाएगी, ये भी आपका उदासीन फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये जो आपका P2O5 है अशुद्धि, ये कैसे दूर होगा, क्योंकि ये भी आवास सील फॉर्म में है, ये आपका क्रिया कर लेता है भट्टी की तली में जो कैल्शियम और मैग्नीशिया का स्तर होता है, ये उनसे रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि कैल्शियम अथवा मैग्नीशिया का जो स्तर होता है वो क्षारीय होता है और आपका P2O5 एक अम्लीय ऑक्साइड है, इसलिए आसानी से ये किसी क्षार से रिएक्ट हो सकती है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करती है, ये आपका CaO कैल्शियम से रिएक्ट करती है, तो यहां से हम CaO ले रहे हैं और इसको P2O5 के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगी कैल्शियम फास्फेट, किस रूप में बदल जा रहा है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में बदल जा रहा है, और कैल्शियम फास्फेट इस समय धातुमल के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, सलाइक के फॉर्म में आ रहा है। इस तरीके से आपका P2O5 क्षारीय स्तर में लगे CaO के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फास्फेट नामक धातुमल में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहां से P2O5 आपका हट गया, MnO हट गया, सिलिका कुछ मात्रा में तो दूर हुआ लेकिन अभी भी कुछ मात्रा में रह गया है। यहाँ पे जो शेष सिलिका की मात्रा होती है वो क्या करती है, वो रिएक्ट हो जाती है चूना पत्थर से, किससे रिएक्ट होती है, चूना पत्थर से। यहाँ पे जो चूना पत्थर है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका अपघटित हो जाता है CaCO3, यहां से क्या हट जाएगा, यहां से CO2 मुक्त हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर लगातार 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक बना है इस भट्टी के अंदर, और आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मात्र 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटता है, तो ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूट चुका होगा, किस रूप में, CaO और CO2 के रूप में, CO2 गैसीय अवस्था में मुक्त हो जाती है परंतु आपका CaO आवासीय रूप में बच जाता है, और यही CaO यहाँ शेष जो सिलिका की अशुद्धि बचती है उसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेता है, CaO प्लस SiO2 गिव्स आउट CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बना लेता है, ये भी आपका सलाइक के फॉर्म में आ जा रहा है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि कैसे आखिर इस भट्टी के अंदर अशुद्धियां हेमेटाइट से आक्षेपित हुई और जो वाष्पशील थी वो मुक्त हो गई, लेकिन जो अवाष्पशील थी वो किस रूप में बदल गई, शाक के रूप में बदल गई। एक बार पुनः ध्यान देंगे, मैग्नीज ऑक्साइड के समस्त अणु सिलिका के साथ रिएक्ट करके किस फॉर्म में चली जाएंगी, मैग्नीज सिलिकेट के फॉर्म में चले जाएंगे, यानी धातुमल के रूप में बदल जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से P2O5 एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपका भट्टी के तली में लगे हुए कैल्शियम और मैग्नीशिया के स्तर में या है कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम फास्फेट नामक धातुमल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो शेष सिलिका की अशुद्धियां बच जाती हैं वो चूना पत्थर में उपस्थित CaO के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल में परिवर्तित हो जाता है। तो जितनी भी धातुमल होती हैं वो सभी धातुमल क्या करती हैं, भट्टी की तली में, भट्टी के ठीक तली में जो एकत्रित गलित इस्पात है या आयरन है ठीक उसके ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं। अब हम इन्हें कैसे अलग करते हैं, इनको अलग करने के लिए सबसे पहले हम स्लैग को भट्टी की तली से बाहर निकाल लेते हैं और पुनः आउटलेट के थ्रू गलित इस्पात को भट्टी से पृथक कर लेते हैं यानी बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से जो हमें इस्पात प्राप्त हुआ है उसको और ज्यादा पोटेंशियल करने के लिए यानी उसे और दृढ़ बनाने के लिए हम उसमें एक मिश्रण का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है स्पीगल आइजन। स्पीगल आइजन नामक पदार्थ मिलाएंगे, जो हमें भट्टी से प्राप्त गलित आयरन मिला है उसी में स्पीगल आइजन मिलाएंगे। स्पीगल आइजन 3 घटकों का मिश्रण होता है जिसमें आयरन, कार्बन व मैग्नीज
आयरन, कार्बन व मैग्नीज तीन घटक उपस्थित होते हैं, इसी को हम स्पीगल आयजन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का धातु मिश्रण भी कहलाता है, तो एलॉयस के फॉर्म में भी इसे जाना जाता है। तो इस मिश्रण को जैसे ही हम इस भट्टी से प्राप्त आयरन में या गलित आयरन में मिला देते हैं तो ये इस्पात के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार हमें इस्पात प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसके सहारे से, सीमेंस मार्टिन के खुले भट्टी प्रक्रम की सहायता से इस्पात का निर्माण कर लेते हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है, अब तक जितने भी प्रक्रम हैं इस्पात बनाने के उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हो अथवा एक आधुनिक विधि के रूप में भी इसे माना जाता है, एक उत्तम विधि के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये अन्य सभी विधियों में सबसे उत्तम विधि के रूप में क्यों माना जाता है, हम लोग अब इस पर विचार करेंगे। तो वो पांच कारण है, वो पांच बेनिफिट्स हैं हमारे पास जिनके कारण ये प्रमुख विधि या उत्तम विधि के रूप में जाना जाता है। कौन कौन सी आखिर वो पांच लाभ हैं, हमें पांच बेनिफिट्स ऐसे कौन कौन से हमारे पास हैं जो इस भट्टी के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, ये उसके बारे में हम जानकारी करते हैं कि आखिर वो पांच बेनिफिट्स कौन से हैं। पहला बेनिफिट ये है कि यह प्रक्रम बहुत ही सरल है और मंद गति से संचालित होता है, यानी बहुत ही तीव्रता से नहीं होता, धीमी गति से होता है, सरलता से होता है। दूसरा लाभ है कि इस प्रक्रम में ताप पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है, यानी टेम्परेचर ना तो अचानक बढ़ाया जा सकता है ना ही घट सकता है। कहने का मतलब है कि यह ताप को नियंत्रित करके ही रखता है, यानी इसमें ताप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट्स क्या है कि इस प्रक्रम में उच्च श्रेणी के इस्पात का निर्माण किया जा सकता है, यानी अब तक के जो प्रक्रम हमने पीछे पढ़े हैं उससे उतनी अच्छी वैरायटी के इस्पात का निर्माण नहीं किया जा सकता जितना कि इस भट्टी के माध्यम से, अर्थात सीमेंस मार्टिन के खुले भट्टी प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। तो इसलिए इस तीसरे बेनिफिट्स के साथ साथ ये हमारा उत्तम विधि के रूप में माना जाता है। और कौन कौन से लाभ हमारे पास हैं? चौथा लाभ है इस प्रक्रम में रद्दी लोहे, घटिया ढलवा लोहे, इन सभी के अयस्कों से सीधे इस बात का निर्माण किया जा सकता है, जबकि इससे पीछे की विधियों में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, पांचवा हमारा जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे मुख्य और सबसे उत्तम बेनिफिट के रूप में है, वो है कि इस प्रक्रम में ऑक्सीकरण के लिए वायु का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने पीछे रिएक्शन के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ पे जो भी अशुद्धियां क्या हो रही थी, ऑक्सीकृत हो रही थी, वो किसके थ्रू हो रही थी, किसके साथ हो रही थी, वो हेमेटाइट के साथ हो रही थी, ना कि ऑक्सीजन के साथ। तो ये आखिर ऑक्सीजन का उपयोग ना होने से, हेमेटाइट का प्रयोग कर लेने से क्या फायदा होता है? ऐसे में जब ऑक्सीकरण वायु के द्वारा नहीं होता तो आपका धातु या इस्पात बहुत कम नष्ट होता है, यानी धातु मल के रूप में बहुत कम परिवर्तित होता है। ठीक है, अगर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा धातुएं धातु मल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या लाभ हमें हो रहा है, धातु धातु मल के रूप में निम्न मात्रा में ही नष्ट होता है, यानी धातुएं हमारी सेफ रहती हैं। तो बच्चों आप इन पांचों लाभों को एक बार पुनः ध्यान से पढ़कर स्पष्ट कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपका इस पास बन गया इस समय सीमेंस मार्टिन की भट्टी से। अब इन्हीं बातों के साथ साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।